व्हाट्सअप का जिसमान हुआ है। तो आज हम फिर से आ गए रेट की वीडियो लेके। दोस्तों वीडियो पसंद आए जो लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आने वाला है हमारा फ्राइडे आ गया है, तो वीकेंड आ गया, तो मोस्टली आई थिंक अब तो सारे ही वीकेंड पे ही हमारे इवेंट्स होते हैं। तो हमारा है 10 times इवेंट, और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि समन का इवेंट हमारा आने वाला है, और ये है काफ़ी अच्छे चैंपियंस। मेरे लिए एक दो चैंपियंस काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हैं, और होपफुली अगर मैं लकी रहा तो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे सिक्के शॉट खोल चुका हूँ, अभी तक मुझे कोई भी चैंपियन नहीं मिला। आई थिंक मैं 15 सेक्रेट शॉट खोल चुका हूँ, मुझे एक भी लेजेंडरी चैंपियन नहीं मिला। तो मे बी मेरे को इस बार मिल जाए, और लकीली मेरे को आज ही 2 सेक्रेट शॉट मिले थे क्लैन बॉस से, और कल मुझे मिला था एक और सेक्रेट शॉट। तो भैया मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था वरना इस वाले इवेंट में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती, क्योंकि सीधा सेक्रेट शॉट खोलने से हमें 500 पॉइंट्स जो हैं मिल जाते हैं। चैंपियन भले कोई भी हो, घटिया हो अच्छा हो, बात की बात है, पर सीधा 500 पॉइंट्स हमें मिल जाते, तो शायद मैं ईजिली अभी वाला जो है इवेंट में कर पाऊंगा जब बिना किसी टेंशन के। और बात करते हैं हमारा इवेंट, और 10 times इवेंट है भाई। बात करते हैं कौन कौन से चैंपियन है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्रेट ऑर्डर का, और हमारा ये सारे एपिक्स की बात करेंगे। तो एपिक का चैंपियन है हमारा या फिनेक्स हाई चैंपियन, जो बता रहा हूँ सारे के सारे ब्लॉक रिवाइव को करते हैं। तो ब्लॉक रिवाइव क्या स्किल होती है कि अगर आपका कोई भी आपका एलाय जो होता है, आपकी टीम मेट है, किसी एनिमी को मार दे, तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। आपके पास कोई भी रिवाइव का चैंपियन हो, कार्डिनल, आर्बिटर, अर्सला, कोई भी चैंपियन हो, तो वो चैंपियन जो है रिवाइव नहीं हो सकते। तो बात करते हैं फेनेक्स की। आई थिंक इनमें से कोई अगर चैंपियन में चाहूँगा सेकंड चैंपियन, तो आई थिंक वो फेनेक्स होगा, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक रिवाइव का कोई भी चैंपियन नहीं है। अगर तुम काउंट करते हो क्या नाम है आर्मेगर को, उसको काउंट कर सकते हो, पर मेरे पास अभी तक कोई भी ब्लॉक रिवाइव का चैंपियन नहीं है। तो ये अगर मिल जाए तो शायद मेरा आइस गोलम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो बात करते हैं अटैक वन एनिमी प्लेस एक्स्ट्रा हिट ऑन टारगेट डीबफ एनिमीज कैन नॉट एनिमी स्किल कैन नॉट बी रिवाइव। तो इसकी A1 पे ही होती है, और ये काफ़ी अच्छी स्किल है। सेकंड स्किल लेंगे अटैक वन एनिमी है 70% चांस, और 80% अगर आप बुक कर लेते हैं ब्लॉक बफ लगा तो सारे एनिमीज की, और ब्लॉक रिएक्टिव स्किल्स भी कर देता है अगर ब्लॉक बफ हमारा नहीं लगा। अगर साथ में आपकी टालिया टीम मेट है तो बॉम्ब प्लेस करती है, उसकी ड्यूरेशन भी कम करता है। थर्ड स्किल लिखेंगे तो डिग्रीज डिफेंस 100% चांस है, सॉरी 60% चांस है, और डिक्रीज स्पीड। तो आप इसको आइस गोलम के अंदर और आई थिंक फायर नाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं, पर खाली ये सिंगल हिटर है तो मे बी, पर आइस गोलम के लिए काफ़ी अच्छा चैंपियन है। फिनेक्स की बात करते हैं, नेक्स्ट चैंपियन बात करते हैं तो हमारा है डिमन स्पॉन का एक्सक्रूशिएटर हमारा चैंपियन है, और ये मेरे पास है पर मैंने कभी भी इसको बिल्ड नहीं करा, पर ये हिट अच्छा खासा करती है। देखा भी इसको मैंने नहीं है ज़्यादा, ना इसकी ज़्यादा आप देखेंगे तो हो रेटिंग है, और पर मिल गया तो आई थिंक ठीक होगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं मेरे हिसाब से पर्सनली। अटैक वन में डैमेज इंक्रीज 20% वाइल अटैकिंग अंडर वाइल, तो ये खुद के ऊपर आई थिंक वेल लगा लेते, प्लेस वाइल ऑन दिस चैंपियन बिगिनिंग ऑफ ईच राउंड प्लेस 5 इवन व्हेन दे किल एनिमी। तो अपने पर खुद ही वे लगा ले जैसे हमारा वर्गीज लगाता है, तो ये इस वे लगाती है 20% डैमेज जो है इसका बढ़ जाता है। हील द चैंपियन ऑफ डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय, अगर वेल के ऊपर नहीं तो खुद को हील करती है 25% जो है डैमेज आप करते हैं, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है कई जगह पे। अटैक वन एनिमी डैमेज इंक्रीज 35% वाइल, ओके एक वेल से इसका काफ़ी ज़्यादा लेना देना है, तो अगर आप डचिस के साथ इसको शायद यूज़ करेंगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अरेक्टर दांत के साथ भी आप आई थिंक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मे बी ये काफ़ी, तो ये स्किल से आप एनिमी केल कैन नॉट बी रिवाइव्ड है, और ये अच्छी काफ़ी हार्ड हिट करती, पर इसमें दिक्कत ये है कि ये सिंगल हिटिंग टारगेट है, तो इसलिए इसको ज़्यादा लोग जो है यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट चैंपियन अगर आप देखेंगे तो हमारा है ओरिजिन ट्राइब का, वो है काफ़ी अच्छा चैंपियन है आई थिंक अभी इस इन सब में से टॉप में चैंपियंस मैं यही कहूँगा हमारा वो है या अकल्ट ब्रॉलर, बहुत अच्छा चैंपियन है क्लैन बॉस के लिए स्पेशली, एंड आई थिंक या क्लैन बॉस के लिए फायर आइस गोलम के लिए बहुत अच्छा चैंपियन है, क्योंकि ये लगाता है ताबम तोड़ मात्रा में जो है हमारा पॉइजन। जब भी अब टर्न पे अपना टर्न इसकी होती है तो 4 turn के लिए 5% पॉइजन ये लगा लेता है, तो इसी काफ़ी अच्छी स्किल है, बहुत ही कमाल का चैंपियन। और साथ ही साथ अपने ऊपर भी ये पॉइजन लगाता है फोर्ट नब, अपने ऊपर पॉइजन क्यों लगाता है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे
अपने आप को हील करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है इसको। यहाँ पे देखेंगे तो मेन स्किल जो है इसकी, पर ये इसके ऊपर ब्लॉक रिवाइव का क्या लेना देना है मुझे समझ नहीं है। खाली ये चैम्पियन ऑड है, क्योंकि इस चैम्पियन का कोई भी ब्लॉक रिवाइव से लेना देना नहीं है। रुक जाओ एक मिनट, लेट मी सी, मुझे पढ़ने दो। अटैक वन एनिमीज इफ दिस चैम्पियन इज अंडर वन बफ, इफ 30% इग्नोर डिफेंस, इफ दिस चैम्पियन टू बफ, एनिमी स्किल कैन नॉट बी रिवाइव। ओके, अगर इसके ऊपर दो डीबफ लगे होंगे तो एनिमी स्किल कैन नॉट बी रिवाइव है, तीन डीबफ लगे होंगे तो ऑलवेज क्रिटिकल होगा, एफ फोर होंगे तो हील करेगा, और इफ पांच होंगे तो इसकी दोबारा से टर्न आएगी। तो ये वाली जो इसकी पैसिव है ये अपने ऊपर ही चार पॉइजन लगा लेता है, 70% चांस है। तो खुद को ये आई थिंक हील या एनिमीज के कैन नॉट बी रिवाइव, और ये सब नाटक जो है काफ़ी ज़्यादा सिचुएशनल है, पर अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर बॉलर आते हैं यहाँ में सबसे अच्छा चैम्पियन मैं कहूँगा। नेक्स्ट चैम्पियन है हमारा डार्क एल्फ की लूरिया। कहाँगे भाई, या मेरे पास बहुत टाइम से चैम्पियन है, मैं इसको बिल्ड नहीं करा पर कई लोग इसको बिल्ड करते हैं। आइए बात करते हैं इसकी क्या स्किल है। अटैक वन एनिमी है 50% चांस, बुक 70% चांस ऑफ डिक्रीज डिफेंस एंड और हील रिडक्शन। डिक्रीज डिफेंस नहीं लगेगा तो हील रिडक्शन और डिक्रीज स्पीड तो लग ही जाएगी। 70% 75% चांस है, काफ़ी ज़्यादा परसेंट चांस है, और डिक्रीज स्पीड और डिक्रीज डिफेंस दोनों ही काफ़ी अच्छी स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट की बात करें अटैक ऑल एनिमीज, तो ये सारी सारी एनिमीज करती है, और 75% चांस अगर आप बुक कर लेते हैं तो एनिमीज कैन नॉट बी रिवाइव और फ्रीज भी करने का इसको चांस होता है। तो होपफुली अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो चार में से या पांच में से तीन एनिमीज को ये क्या कहते हैं फ्रीज कर ही देती है। और आइस गोलम के अंदर आपको यूज करेंगे तो अपनी एओई से अपने जो एनिमीज हैं, और ये हिट भी ठीक ठाक करती है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा पर ठीक ठाक एवरेज से ऊपर हिट करती है। तो एनिमीज आपके होंगे जो आइस गोलम के पार्टनर हैं, दो छोटे मिनियंस, उनको ये ब्लॉक करती है और काफ़ी अच्छा आपको काम आ सकता है। फिर अटैक वन एनिमी रिमूव ऑल बफ ऑल्सो, ओके बफ का कोई भी चांस नहीं है। ओके ऑल्सो एज 80% चांस बुक कर 100% चांस ऑफ प्लेसिंग ब्लॉक बफ और टू टर्न्स। तो ये वाली स्किल काफ़ी अच्छी है अगर कोई आपका अच्छी खासी एक्यूरेसी होनी चाहिए ऑब्वियसली, पर फिर भी है अगर कोई सामने आपका एनिमी है जो शील्ड काउंटर अटैक ये सब अपने ऊपर डाल रखा है तो आप इस वाली स्किल को यूज़ कर सकते हैं। पर एक खाली सिंगल एनिमी है तो थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा उसको कैसे यूज़ करना है। आइए बात करते हैं अब हमारा जो है खाली लेजेंडरी चैंपियंस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टॉप में आता है, आई थिंक अगर ये भी मुझे मिल जाए तो मैं इसको ले लूँगा, काम मेरे आएगा शायद नहीं पर बहुत अच्छा चैंपियन है। बात करेंगे रॉट ओस, और एरिना का तो मास्टर है, और जिसके जो भी इसके सामने आता है मोस्टली थोड़ा सा डरता है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा हिट हार्ड करता है। बात करते हैं स्किल की, अटैक वाले एनिमी हैज 70% चांस ऑफ डिक्रीज डिफेंस, ऑल्सो हैज 25% चांस ऑफ ग्रांटिंग एक्स्ट्रा टर्न। तो रोटोस का यही लेना मतलब है कि भाई एक्स्ट्रा टर्न ले ले कि भाई साहब ये आपको ख़त्म कर देता है, और अगर आप इसको रेलेंटनेस सेट में डालेंगे तो और भी ज़्यादा इसका चांस हो जाता है एक्स्ट्रा टर्न लेने का। और मैंने कई बार देखा है कि एक ही हिट में चार पांच बारी में सब पूरी टीम को जो निपटा देता है रोटोस। हमारा सेकंड रन देखें, अटैक वन में हैज डिक्रीज टारगेट्स मैक्स एचपी बाय 20% एट दैट एचपी टू दिस चैम्पियन। ओके तो उसकी एचपी लेगा अपने पर लगा लेगा, कैन नॉट डिक्रीज चैम्पियन मैक्स एचपी बाय मोर देन 60% इन वन बैटल, कैन नॉट इंक्रीज मैक्स एचपी मोर देन 60,000। ओके तो ये हर हिट में अगर जब भी ये टर्न चलेगा तो ये वाली करेगी, डिक डस नॉट डिक्रीज बे। ओके बॉस का कोई लेना देना नहीं है, दिस चैम्पियन मैक्स एचपी विल इंक्रीज बाय 15,000। ओके व्हेन दिस स्किल यूज अगेन बॉस। ओके बॉस भी मैंने कभी इसको यूज करते किसी को देखा नहीं है, करते हैं लोग ऐसा नहीं है पर मैंने इसको नहीं देखा कभी इसको, पर एनिना में तो भाई टॉप टीयर चैंपियन है। और ये सबसे ज़्यादा मेन इसके लिए कौन है, अटैक वन एनिमी विल इग्नोर 60% ऑफ डिफेंस। अगर आप सेवन सेट पे इसको लगाएंगे तो 85% तो आपका सूखा सूखा लग जाएगा, साथ ही साथ अगर आप अपनी मास्टरीज में उसको करेंगे तो आई थिंक 100% आप डिफेंस कर सकते हैं इग्नोर। तो यार स्किल काफ़ी ज़्यादा काम की, अनकिलेबल और ब्लॉक डैमेज को भी इग्नोर करता है। तो स्कल क्राउन, बाय बाय स्कल क्राउन, रॉक रेक्ट और कौन सा है रोशका टावर, बाय बाय सबकी टीम को पूरी खत्म कर देता है। एनिमीज किल बाय दिस चैंपियन कैन नॉट बी रिवाइव, तो ये हमारी ब्लॉक रिवाइव वाला चैंपियन है। ग्रांट सॉरी चैंपियन हैज गेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एचपी
वाइटेलिटी प्लंडर स्किल, ओके, ग्रांट एक्स्ट्रा टर्न अगर ये स्किल जो है एनिमी को मार देती है, तो मोस्टली अर्ली स्किल जो है एनिमी को मारती ही है अगर आपने शील्ड टाइप चैंपियन नहीं लगाए हो, और फिर से दोबारा टर्न आती है, फिर ये अपनी ये टर्न चलता है, तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशनल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैंपियन है। और साथ साथ सिफी के साथ जब ये होता है तो आई थिंक इसके डैमेज जो है कम हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया चैंपियन है। विल डिक्रीज द डैमेज फ्रॉम एनिमी हिट सो दैट इनकमिंग डैमेज फ्रॉम सिंगल हिट, तो ये वाली स्किल भी बहुत ज़्यादा काम की है। 50% से अगर ज़्यादा इसकी एकदम से एचपी लो हो जाती है एक ही हिट के अंदर, तो आप जो है ये दोबारा से टर्न इसको मिलेगी, सिंपल चीज़ है। और फिर से अपनी यही स्किल चलेगा, फिर ये स्किल चलेगा, इसको एक्स्ट्रा टर्न का ऑप्शन मिलेगा, अगर आप रिलेटेड सेट डाल रखा हो तो फिर से टर्न चलेगा, टर्न ही टर्न चलता रहता है। तो भाई साहब बहुत ही क्रेजी चैंपियन है। नेक्स्ट चैंपियन कहेंगे हमारा अंडेड होडे का, हो कहेंगे भाई या ब्लड गॉर्गेट। तो ये एक सिंगल हिटिंग ब्लॉक रिवाइव चैंपियन है, यूज इसे करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको लोग यूज नहीं करते, पर मेरे को नहीं चाहिए जनरली अगर मैं बात करूँ तो। फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैंपियन है। अटैक वन इन मीज 50% चांस, 75% चांस ऑफ लेटिंग डिक्रीज डिफेंस, ओके ठीक है। अटैक ऑल एनिमीज पुट वन स्किल ऑन ईच कूल डाउन, तो वन स्किल का मतलब है कि कोई भी स्किल, A2 भी हो सकती है, A3 भी हो सकती है, अगर उस चैंपियन के अंदर A4 भी है तो उनमें से कोई भी स्किल को कर देता है कूल डाउन के ऊपर एक टर्न के लिए। तो ये थोड़ा सिचुएशनल होता है, ये आपकी किस्मत है अगर उसकी जो मेन स्किल है वो कूल डाउन पर चली जाए। नेक्स्ट स्किल की बात करेंगे, अटैक वन एम वी इग्नोर डिफेंस, पूरा का पूरा 100% डिफेंस इग्नोर करेगा, एंड एनिमी स्किल्ड कैन नॉट बी रिवाइव। तो इग्नोर डिफेंस काफ़ी अच्छा होता है डिफेंसिव चैंपियन के लिए, 5,000 डिफेंस हो, 10,000 डिफेंस हो, नो बॉडी केयर्स, सीधा एक ही हिट में मारने के चांस, और ये कभी कभी सिंगल हिट में ही आपका जो एनिमी जो है लुढ़क सकता है। तो ब्लड गॉड। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा कहेंगे भाई सेक्रेड ऑर्डर की है, डार्क एल्फ। डार्क एल्फ की आई थिंक मेरे को ये चैंपियन चाहिए, जैविया मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से चाह रहा हूँ, अभी बताऊंगा मैं क्यों चाह रहा हूँ। मेरी इसमें से आई थिंक सबसे ज़्यादा फेवरेट वो यही होगी, रोटस से भी ज़्यादा मेरी फेवरेट जैविया है, बताता हूँ क्यों। अटैक वन एनिमी हैज 3 टाइम, तो 3 बारी अटैक करेगी और पॉइजन लगाने का चांस, तो 3 बारी अगर अटैक करेगी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो भाई पॉइजन तो लैंड हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अटॉक सेकंड स्किल, अटैक ऑल एनिमीज 2 टाइम, तो 2 बार हिट करती है, 50% चांस ऑफ लेसिंग पॉइजन, और 70% चांस अगर आप बुक कर देते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो आप उसको क्लैन बॉस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट डिफेंसिव टाइप बिल्ड करके एचपी खूब सारी डाल के, तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको काम है। साथ साथ अटैक चैंपियन है तो लाइफ स्टील सेट भी आप इसको लगा सकते हैं, तो और ज़्यादा ये खुद को हील करेगी, क्योंकि अटैक चैंपियन अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अटैक ऑल एनिमीज एनिमीज किल्ड बाय दिस चैंपियन कैन नॉट बी रिवाइव्ड, ये भी मुझे सबसे मेन स्किल है, मेरे पास ब्लॉक रिवाइव के चैंपियन नहीं है, तो बताता ए ओ ई में काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आएगी। डील डैमेज फ्रॉम ऑल पॉइजन इंस्टेंट, अगर एनिमी के ऊपर पॉइजन लगा हुआ है तो जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, हमारा कौन सा मेरा फेवरेट चैंपियन आजकल चल रहा है वो नागिन, कौन है भाई का नाम क्या था यार, लिजर्ड मैन की या वेनोवेज, तो ये भी लगाती है पॉइजन, और अगर इसके साथ में इसको आई थिंक कॉम्बो में यूज करूंगा, या फिर कोई भी जो हमारे जो नया चैलेंज आए कैवलेक्स, वो भी बहुत सारा पॉइजन लगाता है, तो सारा जो है डैमेज जो है काफ़ी ज़्यादा करती है। तो पॉइजन का इंस्टेंटली अगर डैमेज लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, डूम टावर के अंदर भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आ सकता है। अटैक वन एनिमीज अप्लाइज डीबफ स्प्रेड, अगर आप करेंगे तो बेलेनोर के साथ, अगर बेलेनोर का पार्टनर है तो जो डीबफ लगाएगी तो आई थिंक सारे के सारे, और डिक्रीज डिफेंस या कुछ भी आप जो है पॉइजन वगैरह सारे एनिमीज पे लग सकते हैं। जेविया माई फेवरेट चैंपियन, लास्ट चैंपियन हमारा वर्ल्ड चैंपियन है, तो बताते हैं डीबन स्पॉन का, और वो हमारा चैंपियन है ई3 ब्लड ट्विन, टू डेक्स्टर जो ब्लड ट्विन हमारा एचपी बर्न का मास्टर है, उसका ये आई थिंक छोटा भाई है इथ्वी ब्लड ट्विन, बहुत अच्छा चैंपियन है और उसका ही लोग इसको यूज़ करते हैं, और आप देखेंगे ये भी आइस गोलम के अंदर भी मेनली, तो सारे ब्लॉक रिवाइव चैंपियन आप देखोगे ना आइस गोलम में भाई साहब नंबर वन पे चल रहे होंगे। बात करते हैं क्या इसके लिए, अटैक वन में डैमेज इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज द टारगेट मैक्स एचपी बाय 30% ऑफ डैमेज इंफ्लिक्टेड, तो ए चैंपियन बहुत ज़्यादा हिट हार्ड नहीं करता, अगर आप इसका अटैक देखें तो गेम के टॉप अटैक चैंपियन में से आई थिंक ये होगा, शायद सबसे ज़्यादा भी हो सकता है, 1729 बहुत ज़्यादा अटैक होता है, और पर उसके हिसाब से हिट हार्ड नहीं करता। मैं एनिमी एरिना के अंदर भी इसके सामने कई बार आया हूँ, और पर मेरे को जब हिट करता है तो मेरे टीम जो है मोस्टली सेफ ही रहती है। बस की मेन स्किल जो सबसे खास बात है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अटैक वन एनिमी 3 टाइम्स डैमेज इंक्रीज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ दिस चैंपियन हैज एचपी लॉस्ट,
तो इसकी डैमेज जो है इसका एचपी जो जितनी इसकी कम होगी उतना डैमेज इसका बढ़ता रहेगा, तो ये थोड़ा सिचुएशनल हो जाता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा डैमेज लेना पड़ेगा। अटैक ऑल एनिमीज इसकी ये स्किल है, और 80% चांस 100% चांस ऑफ प्लेसिंग लीच, ये भी स्किल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हिट हार्ड नहीं करती, एवरेज जो हमारे स्टार्टर चैंपियंस हैं उनके हिसाब से उतना सेम जो है डैमेज करती है, 30-40 हज़ार अगर आप बिना डिक्रीज डिफेंस वीकन के करेंगे तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार मैक्सिमम आपका डैमेज ये करेगा। तो ये मेन स्किल जो है इसकी बताता हूँ, पैसिव ही दिस चैंपियन 30% ऑफ द मैक्सपी वेन एवर दे किल एनिमी, तो जब भी एनिमी का होता है 30% जो है इसकी एचपी हील होती है, और एनिमीज किल्ड बाय दिस चैंपियन कैन नॉट बी रिवाइव। तो मोस्टली सारे चैंपियंस होते हैं उनमें एक स्किल पे होता है कि एनिमी किल बाय, दूसरे भी होता है या किसी भी तीसरे भी होता है, तो ये किसी भी स्किल से अपना जो है आपको मारेगा तो आप जो है जिंदा नहीं हो पाएंगे, बहुत ही ये क्रेजी स्किल है, और आई थिंक खाली इसी चैंपियन के अंदर ही ये वाली स्किल है और किसी के अंदर भी नहीं है। अटैक लॉन में हमारी ऑरा है और 33% है। दोस्तों ये थे हमारे चैंपियन, और मुझे कौन सा चैंपियन चाहिए अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट मुझे ज़ेविया, फिर शायद फेनिक्स, ब्लड ट्विन की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं वॉइड शायद ही पुल करूंगा, और वॉइड की तो वैसे भी उम्मीदवारी बहुत ही लो होती है। दोस्तों अभी इतना ही, वीडियो का पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।